नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 30 जून से उत्तराखंड में बारिश की संभावना बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 1 जुलाई से उत्तराखंड में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ेगी। 1 जुलाई को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बारिश वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट इसको लेकर जारी कर दिया है। तो 30 जून से उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने आज 28 जून को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जनपद में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलेगी। तो मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 1 जुलाई से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है, जगह जगह पर भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर और चमोली में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश की संभावना जताई गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश को लेकर पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई से कई इलाकों में बारिश हो सकती है और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो 30 जून से उत्तराखंड में बारिश की संभावना है और 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। और अब जिस तरीके से मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, आगामी 30 तारीख से प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा होगी और खासतौर से 1 जुलाई से पहाड़ी क्षेत्र, चाहे पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, चंपावत की बात कर ली जाए, बागेश्वर की बात कर ली जाए, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, जो कि पर्वतीय जिले हैं, इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको लेकर मुस्तैदी तेज दिखाई है और इसके साथ ही जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए आपदा विभाग की, तो आपदा विभाग भी बरसात के मौसम में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। उत्तराखंड में एक हफ्ते तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने बढ़ाया है। इस बार राज्य सरकार ने काफ़ी छूट भी दी है। बाजार 6 दिन खुलेंगे, मसूरी और नैनीताल इतवार को भी खुलेंगे, लेकिन मंगलवार को बंद रहेंगे। कोचिंग और जिम सेंटर भी 50% कैपेसिटी तक खोले जाएंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि स्कूल के बच्चों की कोचिंग क्लास अभी फिलहाल बंद रहेंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जो है बढ़ा दिया गया। यहाँ इसको काफ़ी छूट के साथ एक हफ्ते और बढ़ा रहे हैं, जिसमें अब बाजार 6 दिन खुलेंगे। इसके साथ साथ जो मसूरी और नैनीताल हमारे 2 पर्यटक नगर हैं, ये इतवार को भी खुलेंगे, ये मंगलवार को बंद रखेंगे। इसके अलावा कोचिंग और जो हमारे जिम है और कोच, इनको 50% कैपेसिटी के तक अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग केवल वो जो सर्विसेज के लिए। स्कूल के बच्चों वाली कोचिंग क्लासेज अभी बंद रहेंगी, बच्चों की कोचिंग वो शुरुआत नहीं है। वही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष कौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद जो राज्य सरकार है वो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं रियायत देती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि अब रियायत जरूर दी गई है, लेकिन कर्फ्यू को अभी आगे बढ़ाया गया, 1 सप्ताह के लिए कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि अगले सप्ताह तक प्रदेश में कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कर्फ्यू केवल कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो
रविवार के लिए होगा, क्योंकि पूरी तरीके से जो बाजार है वो खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि समय सीमा जरूर उसके लिए बनाई गई है और शनिवार इतवार इससे पहले बंद किया जा रहा था, लेकिन अब शनिवार को भी बाजार खोले जाएंगे और रविवार को पूर्ण तरीके से बाजार बंद रहेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो पर्यटन क्षेत्र है, चाहे मसूरी की बात कर ली जाए फिर नैनीताल की, तो इन जो जिले हैं इन जिलों में इन क्षेत्रों में जो रविवार को भी है बाजार खोले जाएंगे, ताकि पर्यटक जो है वो किस तरीके से परेशान ना हो, और जो व्यापारी पिछले लंबे समय से पर्यटकों का इंतजार कर रहे थे उन लोगों को भी कोई नुकसान ना हो। तो इसको देखते हुए सरकार ने जरूर रियायत दी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिनको भी खोलने के निर्देश दिए हैं 50% लोगों के साथ, यानी कि रियायत धीरे धीरे सरकार अब लोगों को देती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए क्योंकि धीरे धीरे रियायत तो दी जा रही है, लेकिन लोगों को ये फिलहाल नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो छूट के साथ क्या लोगों में अभी भी जागरूकता नज़र आ रही है? बिल्कुल, थोड़ी बहुत जागरूकता ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी देखा जाता है कि लोग विदाउट मास्क के शहरों में घूमते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम, जो लोग बिना मास्क के पाए जा रहे हैं इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो कोविड के जो नियम है उनका पालन आम जनमानस से कराया जाए। बिल्कुल सुभाष, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार लौटेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के मंथन का आज दूसरा दिन है। रामनगर में हो रही चिंतन बैठक, सरकार और संगठन के बीच समन्वय बैठक की गई। बैठक में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने बैठक से पहले मुलाकात की। रामनगर में हो रही है चिंतन बैठक, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी बैठक में मौजूद है। दोनों ही नेताओं ने बैठक में एक दूसरे से मुलाकात की है। बैठक के पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने एक दूसरे से मुलाकात की। वहीं जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ बने हुए। सुभाष, इस चिंतन बैठक को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन था और सबसे बड़ी चीज यह जो चिंतन बैठक है रामनगर में आहूत की गई थी, जिसमें कि भाजपा सरकार ने जो संगठन है वो किस तरीके से संगठन चुनाव में काम करेगा, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार चाहती है कि 2017 की तरह बनाए और बेहतर प्रदर्शन वो 2022 के विधानसभा चुनाव में। जो संगठन की महत्वपूर्ण बैठक है वो आहूत की गई थी और आज उसका दूसरा दिन था। हालांकि इस बैठक में कई बड़े चेहरे नजर आए, चाहे उसमें बात की जाए त्रिवेंद्र रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, विजय बहुगुणा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, संगठन की ओर से भी कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, चाहे वो प्रदेश के हों या फिर कहीं के। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद है। कहा जाए कि किस तरीके से 2022 को फतह करना है वो बैठक की जा रही है, क्योंकि भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है तो उनकी तरफ से इस बैठकों का दौर ही शुरू कर लिया जाता है, लेकिन लास्ट समय में जो कार्यकर्ता है वो फील्ड में उस तरीके से काम किया जाए इसको लेकर ये बैठक की जा रही है। जी बिल्कुल, सुबह जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी से आपको रूबरू कराते हैं बड़ी और अहम जानकारी। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, लोगों की धार्मिक भावना का ख्याल है, हाईकोर्ट ने ये बातें कही, लोगों की जान बचाना भी बहुत जरूरी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, मामले की जाँच 7 जुलाई को की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को रखी गई है। बड़ी जानकारी की चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल है लेकिन लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट का बयान सामने आया है, मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़े हुए। ताराचंद, देखिए अभी नैनीताल हाईकोर्ट ने फिर एक बार चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए, कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है। इसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए आज कहा गया था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या क्या तैयारियां हैं, चारधाम यात्रा यदि आप शुरू करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आपने वहां पर व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा, जिसमें जो सरकार की तरफ से जो पक्ष
कोर्ट में रखा गया, उससे कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आई और उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को रोक लगा दी जाती है। और अभी कुछ दिन पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी सरकार की, उसमें कहा गया था कि चार धाम यात्रा होगी, तो सरकार ने ये कहा कि जो जिन जिलों की वो बात कर रहे हैं कि जिन जिलों में चार धाम स्थित हैं, उन जिलों के लोगों को वहां पर जाने की अनुमति दी जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने उसमें रोक लगाई है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जन भावना का ख्याल है, लेकिन लोगों की जान बचाना पहले जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं का जो हवाला दिया गया है कोर्ट में, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए चार धाम की जो पूजा अर्चना है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग सरकार को करनी चाहिए, और इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय कर दी गई है। बिल्कुल ताराचंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली, जिसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा द्वारा मसूरी उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। वहीं उनके द्वारा अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने CMS डॉक्टर यतेंद्र सिंह को अस्पताल में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 25% अस्पताल के बेड बच्चों के लिए आरक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं। मसूरी में उपजिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को लेकर मसूरी महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर सरकार से मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन मशीन के साथ महिलाओं को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। बता दें कि उपजिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अस्पताल में महिला सर्जन न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में इम्प्यूटेशन न होने के कारण कई बार महिलाएं और बच्चे की जान को खतरा बन जाता है। जिस तरीके से मसूरी के अंदर महिलाओं के प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक आम प्रसव के लिए महिला को यहाँ से जो है 50 किलोमीटर देहरादून जाना पड़ता है, ये बुनियादी इसको लेकर धरना यहाँ पे दिया है। CT स्कैन जो मशीन यहाँ पर मसूरी इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसको लेकर धरना दिया है। यहाँ पर जो एक्सरे की मशीनें नहीं है उसको लेकर धरना दिया है। ये किस तरीके स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो रहा है उसको लेकर धरना दिया है। मसूरी का जो उलड़ी स्थित सेंट मैरीज हॉस्पिटल जो अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पर चलता था उसको बंद कर दिया गया, उसको लेकर धरना दिया है। आज महिला कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि पूर्व में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय भाजपा सरकार ने आनंद फानंद में ये जो डिब्बा है ये जनता को सौंप दिया था, जबकि यहाँ पर बिजली पानी भी उपलब्ध नहीं था। और उस समय उन्होंने जनता को रिझाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए हॉस्पिटल जो है मसूरी की जनता को दे दिया, जिसके अंदर कि सिर्फ मरीजों से खिलवाड़ हो रहा है और कोई सुविधा नहीं दी जा रही। यहाँ पर एकमात्र जो एक टीकाकरण बच्चों का होता है उसके अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं जब यहाँ पर दर्द में तड़पती हो जाती है उस समय उनको देहरादून रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की कमी है। यहाँ पर उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 122 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। रविवार को 19,293 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 4, चमोली में 1, चंपावत में 4, देहरादून में 38, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 4, पौड़ी में 6, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 6, उधम सिंह नगर में 6 और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 23 मार्च के बाद सबसे कम केस मिले हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 6 नए मामले सामने आए। एक दिन में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई। 4 लोगों को ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज। ब्लैक फंगस के अब तक 492 लाख रिकॉर्ड किए गए।
उत्तरकाश आग लगी, स्टाफ ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। भीषण आग में घर जलकर खाक हो गया, शॉर्ट सर्किट से लगी। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से शहर की सड़कें चलमग्न हो गई, कई जगह जलभराव हुआ तो पैदल चलने वाले लोग और वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले नगर निगम शहर की चौक नालियों को साफ करने और जलभराव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहा था, लेकिन मानसून के दौरान हुई 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। भराव की जहाँ तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जलभराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जलभराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उस पर उसकी कार्य योजना वर्तमान में चल रही है। इरीगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के प्लान में लिया गया है। पौड़ी में एक युवक सुनील बहादुर भालू के हमले में घायल हो गया था। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नेपाली मूल का परिवार खेती का काम करता था। युवक सवेरे 8 बजे खेत में काम कर रहा था, वो वापस प्यास लगने के चलते गदरी के तरफ जा रहा था, तभी अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। पौड़ी प्रमुख दीपक खुगसाल ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां पर उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए इस वक्त की अहम जानकारी। उत्तराखंड में भूकंप के झटके पिथौरागढ़ और बागेश्वर में महसूस किए गए झटके। बता दें भूकंप का केंद्र रहा मुनस्यारी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके और पिथौरागढ़ बागेश्वर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र मुनस्यारी माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। दोपहर 12:18 पर महसूस हुए झटके। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में महसूस हुए भूकंप के झटके और इस वक्त की बड़ी जानकारी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो भूकंप का केंद्र मुनस्यारी रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल? श्रावणी, ये बताऊं कि पिथौरागढ़ जिले का जो सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पे नामी एक जगह पड़ती है, वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मुनस्यारी के कुछ इलाकों में जो भूकंप के झटके, हालांकि बहुत बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन लोगों में भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकल करके आ गए थे। और ये बात कह दूं कि अभी तक मतलब इस तरह की जो कोई जो नुकसान है उसकी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई, फिलहाल बरसात आई हुई है। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतने ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।